भूमि ओम भ्रीम ईश्वर हम सतत ये पुष्प संभावयामि पुरुएव ततीय बिंब ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम श्री वर्णे जिन प्रतिमा स्थापनं करोमि स्वाहा सत्पल्लवार्चित शंकर परम देवम आद्यानम आदे जम्बूदीपे भरत क्षेत्रे आदि खंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रांते उपलाट नाम नगरे जिन शरणम तीर्थे माशान उत्तम मासे श्राभाद्र मासे कृष्ण पक्षे तृतीयाम शुभ दिन बुधवार वासरे मुनि आरिका श्रावक श्राविका नाम करता हूँ यह जल की धारा करके मैं चरणों में अर्घ चढ़ाता उदक चंदन तंदुल पुष्पे कई चरु सुदीप सुधूप फल अर्घ कई धवल मंगल गान रवांकुल जिनग्र चतुर्विंशति शंकर अर्घ ले लो जल वै सिंचि जिनाय ह्रीं ह्रीं द्रवय द्रवय ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते सुगंधाभिषेकं करोमि स्वाहा सुगंधाभिषेकं करता हूँ यह गंध की धारा करके मैं चरणों में अर्घ चढ़ाता हूँ उदक चंदन तंदुल पुष्पे कई चरु सुदीप सुधूप फल अर्घ कई धवल हम मम हम सम तम पम भ्यम झम झीम झीम छीम छीम राम राम रीम रीम द्रावय द्रावय ओम नमोते भगवते श्रीमते पूर्णाभिषेकं करोमि स्वाहा पूर्णाभिषेकं करोमि स्वाहा जिनाभिषेकं दीपे प्रत्यापितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोके मंगलशुकालय कामोदाह मारार्तिकं तव विभोरवतारयामि इति मंगलार्ति अवतरणं करोमि स्वाहा होते हैं सिर पर छत्र त्रय भविधि ऊपर रह कर सूर्य रश्मि का रोक रहे हैं प्रखर प्रताप मानो वे घोषित करते हैं त्रिभुवन के परमेश्वर ओम ह्रीं छत्रत्रय प्रातिहारिकताय क्लीं महावियक्षर सहताय वृषभ जिनाय जलादि अर्घम नृपामति चलो शांति धारा करो बोलिए देवादिदेव 1008 चलिए शोधर्मिंद कलश उठाए वीतरागाय नमः ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पार्वती शंकराय द्वादश गर्भ प्रवेशिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखे त्रिलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाशनाय घाती क्रम विनाशनाय घाती क्रम विनाशनाय अपवायम अस्माकम मृत्युम अतिकामम रतिकामं क्रोधं सर्वग्निं सर्वपुष्पमारिं सर्वफलमारिं सर्वराष्ट्रमारिं सर्वदेशमारिं सर्वविश्मारिं सर्ववेताल शाकनी भयं सर्ववेदनीयं कुसुम श्री अनिल कुमार नीरा श्री कमला जैन ऋषि मोनिका जी वीर जैन परिवार सर्व शांतिम कुरु कुरु वसत् स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिम भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिम भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिम भगवान् जिनेन्द्र संसार महादुख सागर में प्रभु गोते खाते आया हूँ संसार दुखों के नाश अरे तेरी
जगबंधु आदि जिनेश्वर जिन शरणम भगवान जिन शरणम भगवान नाभि राय सुत मामर देवी के तुम राजकुमार जिन शासन के प्रथम तीर्थंकर जिन शासन के प्रथम तीर्थंकर जग के तारण हार ओ बाबा राजा अयोध्या वाले सुख वैभव देने वाले हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले मोहनी मूरत वाले हम सब उतारे तित फल देने वाले चिंता को हरने वाले हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले मोहनी मूरत वाले हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा नाथ और महावीर में प्रभु कंचन जैसी काया से प्रभु शिव सुख बाट रहे ओ बाबा संकट हर लेने वाले झोली भर देने देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय रतन जड़ित कंचन सियारती जगमग ज्योति जलाए मुनि राज के सम्मुख करे आरती मोहत मेरे नस जाए आरती करो नाथ तेरी कि मनसा सफल होए मेरी आरती करो नाथ बोले आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज की सुचि निर्मल नीरम गंध स्वाक्षत पुष्प चर बलि बलि जाऊं मैं मन वच काय निधि बब दुखी जिन शरणम आदिनाथ जिनेन्द्राय जलादि अर्घम नृपामति वसुद्र समारी तुम डिगदारी आनंदकारी दृग प्यारी तुम्हें हो भवतारी करुणाधारी याते थारी शरणारी श्री शांति जिने शमनुत शक्रेशम व्रश्चक्रेशम चक्रेशम हनि हनि चक्रेशम हे गुण देशम दयामृतेशम मक्रेशम षोडशी शंकर द्वादश कामदेव पंचम चक्रवर्ती शांतिनाथ भगवन जलादि अर्घम नृपामिति नीरगंधे अक्षिता Thank you.
जग के जितने पद मिलते हैं सब पापा कर धो देता हूँ। अक्षय पद अब तक मिल न सका हर जन्म व्यतीत हो लेता हूँ। अब मोहित मेरे में भटक रहे हर पक्ष का हथियार राय ही मोटी दी जलाते हूँ विख्यात मेरा परसों का चंपल में दूर बढ़ाते हो। अब केवल ज्ञान की ज्योति जले शुभ दीप चढ़ाने आए हैं। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं। अपने दोनों हाथों को पूरे सर से पीठ पे तालियां बजाएं, बोलिए परम पूज्य आचार्य मित्र पूरा स्वागत है महाराज की। जय राधे का। और साथ में गाएं ओके गुरुवर वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं भूल उड़ाने को तूने एक दिगंबर धार लिया। मैंने विषयों में बच बच कर करूंगा मेरे आठ धर्म का ठाट जले हर करनी का फल फिरता है पर के संग में पड़ता है मोक्ष वहाँ पर ही ऐसा जिसमें संपूर्ण सफलता है। तुम सफल हो मेरे पर सिद्ध गति पाऊं हर मान यही दिल लाए हैं। पुनः सागर दीवाना गुरुवर का ये सादा संसार दीवाना गुरुवर का ना झूठे में सब लोग कहे झूठे में ऐ दीवाना गुरुवर का पुलक सागर गुरु का ये सारा संसार दीवाना गुरुवर का दीवाना गुरुवर का ऐ जय 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 गुरुदेव जय 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 जनसभा सही बन जाती है। एक कबीर रे वासल्य मूर्त है मुक्ति दूत है प्रहसन करने चले हो
सामने सबसे बड़ा तेरा नाम हो वेदी में प्रभु विराजे सुनो 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 जय जय की ध्वनि गूंजती 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 वेदी में प्रभु विराजे सुनो सुनो सीधा स्वरा आचार्य जन सास नौन तिकरा
पूजा उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्न तरिया श्रीमन नम्र सुरा सुरेंद्र मुकुट प्रदोत रत्न प्रभा भासोत्पादन केन्दव प्रचजना बोधिंदव स्नायन ये सर्व जन शुद्ध सूर्य नुगुतास ते पाटिका साधव स्तुत्या योगी जनेश पंच गुरुव कुरुवन्तु ते मंगलम कुरुवन्तु मे मंगलम उसदिर्देश तपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला एष्टो विध चारण पंच ज्ञान दराशयोपि बलिनो ये बुद्धिरिधीश्वरा सप्ते ते सकिलार्चिता मुनिवरा कुरुवन्तु ते मंगलम कुरुवन्तु मे मंगल्याणे सुमहो सुवेश सुदियस तीर्थंकराणामस ये शृण्वन्ति पठन्ति तेजस जने धर्मार्थकान् माविता लक्ष्मी रासे ते व्यापार रहिता निर्वाण लक्ष्मी रपि सक्षुं फट ओम नुते सर्व रक्षक्षुं फट आपके स्वामी ज्यादा जोर नहीं लग रहा हो थोड़ा और विधि प्रपति स्ताप नाम शुद्धि कुर्मम स्वाहा चले अब सामने और अपने हाथों में पीली सरसों ले लीजिए और आप पीले चावल ले लीजिए और पांचों मंगल कलश है वो रखना है अंदर आपको पीले चावल और पीले परमेश्वरोपदिष्ट अरे आप सबर जाइए बाकी परमेश्वरोपदिष्ट सिष्टे दया मूल धन प्रभाव यष्टि यादक प्रपति भव्य जना नाम सधर्म श्री बलायुरागेश्वर श्री बलायुरागेश्वर अभिवृद्धि रस्तु जिनमन जिन श्री जिनमन शासन भगवत महति महावीर वर्धमान तीर्थम करस्य धर्म तीर्थ श्री मूल संगे कुंद कुंद आमलाय मध्य लोके जम्मू दीपे सुदर्शन मेरे दक्षिण मागे भरत क्षेत्र आर्यखंडे भारत देश महाराष्ट्र प्रांत उपलाण ग्रामे आदिनाथ जिन सन्नम चेताले विद्यालंकार मंडित यज्ञ मंडपे हुंडा सपने काले दुख नाम ने पंचम काले युगे प्रवर्तमाने वीर निर्वाण संवत 2547 संवत्सरे 2073 मासोत मासे भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षे 30 तिथे वासरे बुधवार वासरे महावीर स्वामी जिन पद्माय सानिध्यो दिगंबर जिनाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज परम्परायाम मुनियारिका श्राव सारिकादि चतुर्विध संघ सानिध्यो कुंत नाप्यतन किरा सिद्ध्यर्थम शांत्यतम पुण्य वाचनार्थम नवरत्न गंध पुष्पाक्षनादि बीज पुरुष शोभित सुत प्रासुक जल परिपूरित मंगल कुंभम मंडपाग्र स्वस्ति स्थापन करोमि जम छिम हंस स्वाहा अब चार जो मंगल श्रीमंतम भगवंतम तालिया तालिया आदि महावीर स्वामी परंतम चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवम आद्य नमादि जम्बूदीपे भरत क्षेत्र आर्यखंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रांते उपलाटाम नगोरे मासानुत्तम मासे भाद्र मासे कृष्ण पक्षे तृतीयाम शुभ दिने बुधवार वासरे मुनियारिकाणाम रावक श्राविकाणाम शकल करम क्षयार्थम जलाभिषेकम करोमि स्वाहा जलाभिषेकम करोमि स्वाहा जलाभिषेकम करोमि ओम जिननाथ महामयज ओम रीम ऋष्वारी वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकर अजल अविसिंचित जिनाय जलादि अरिघम निर्वामिति स्वाहा गुरु हाथों में दीपक लेकर आरती करो जी बाजे मंगल गान रमा फुले जिन ग्रहे
भरे और गाय साथ में। जन्मों की पूजा आज काम आ गई, जन्मों की पूजा आज काम आ गई, बाबा तेरी चिट्ठी मेरे नाम आ गई, बड़ी तो आंखें नम हो गई, तेरी मेरी दूरी बाबा कम हो गई, भक्ति भरी देखो कैसी शाम आ गई, भक्ति भरी देखो कैसी शाम आ गई, और बाबा तेरी चिट्ठी मेरे नाम आ गई। श्री समति स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्म प्रभा, श्री सपाश स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभा, स्वस्ति श्री शांति श्री कुंत स्वस्ति स्वस्ति श्री अर्नाथा, श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मन सौम्रता, श्री अन श्रेणी पलाम्बु तंतु प्रसून बीजांग कुरुचार नाम नभो गण सर विहारे नाशे स्वस्ति दक्षा कुशला मही मिन लगी मिन शकेता रतनो गरी मिन मनोव पूर्वा के वल नश्य नित्यम स्वस्ति अरे एक बार आओ जिन देव मारे आंगना, एक बार आओ जिन देव मारे आ अरे थाने झुक झुक ओ थाने झुक झुक करो मैं प्रणाम प्रभु जी माने दर्शन दो, थाने झुक झुक करो मैं प्रणाम प्रभु जी माने। देखिए हमारी कुछ माताएं मेरे खड़ी हुई है ताली बजा रही है, वो अपने दोनों हाथों को उठाएं और चवर का रूप दे, जिनके हाथ में चवर है वो चवर ढुला रहे, जिनके हाथ में नहीं है वो नारा गाऊं मैं तो लाल नारा गाऊं, हरी नारा गाऊं मैं तो लाल नारा गाऊं, अरे हरी नारा गाऊं मैं तो लाल नारा गाऊं, हरी नारा गाऊं मैं तो लाल नारा गाऊं, अरे ओढ़ूंगी चुनरिया केसरिया रंग की, ओढ़ूंगी चुनरिया केसरिया रंग की, मैंने ओढ़ी रे चुनरिया हरे रंग की, मैंने ओढ़ी रे चुनरी अरे वीर भजले रे भाया वीर भजले भये वीर भजले रे भाया वीर भजले, जरा सो नेक सो जरा सो कहनो मारो मान ले रे वीर भजले, जरा सो कहनो मारो मान ले रे वीर भजले हाय वीर भजले रे भाया वीर भजले रे वीर भजले रे भाया वीर भजले। अरहंत प्रभु ने घा दिया तो घात सुखना से है तू अभिनंदन देकर, अरे आरा रा 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 यो अवसर बार बार नहीं आए, यो अवसर बार बार नहीं आए, तू काहे व्यर्था सबे गवाए, तू काहे व्यर्था सबे गवाए, तो मन के दिए जला लो ये अब तो मन के दिए जला लो, पुलक सागर में डुबकी लगा लो, पुलक सागर में डुबकी लगा लो, मोरियो नाचे रे हे नाचे रे अरे नाचे संभोष्टव आह्वानम जय हो जय हो जय हो। ओम रीम अरहं नमः, हे अरहं परमेष्ठिन अत्र तिष्ठिठाठ स्थापनम जय हो जय हो जय हो। पर पुष्पांजलि चपेत प्रभु दर्शन वृक्षा पाले को तो नयन कटोरे और कभी नृत्य आकाश करे और कभी करे आंगन में, कभी नृत्य आकाश करे और कभी करे आंगन में, और कभी दीप नंदीश्वर बंदे हो, कभी दीप नंदीश्वर बंदे स्वर छेड़े एक क्षण में, इंद्र नाचे प्रभु द्वारे झूम छना ना ना ना, इंद्र नाचे प्रभु द्वारे झूम छना ना ना ना, झूम छना ना ना ना, धूम ताना ना ना ना, झूम छना ना ना ना, धूम ताना ना ना ना, इंद्र नाचे प्रभु द्वारे झूम छना ना ना ना, जय जय प्रभु तीर्थंकर जय
दिन भर तुम सम विशरण में राज रहे। जय जय अरहत लक्ष्मी पाकर निज आत्मा में ही आप रहे। जन्मति ही दस अतिशय होते तन में न पसेब न मल आदि। मैं समझते रुदिर सुसमुत चतुष संसान संगन हे आदि। अतिशय स्वरूप सुर वित तनु है शुभ लक्षण सहज आठ शो है। अकुल सुगंधित पवन चले सब जन मन परमानंद भरे। रज कंटक विरहते भूमि स्वर्ग कंदोदक वैष्णी देव कर। प्रभु पद तल कमल खिले सुंदर शाली आदि के बहुधान फले। निर्मल आकाश दिशा निर्मल सुरगण मिले जय जय कारवर। अशोक सुर पुष्प व्रज निवेदन चौसठ चवर कहे। सिंहासन भामंडल सुर कर दुंदु विचत्र ते शोभ रह। ये प्रातिहार है आठ कहे और दर्शन ज्ञान सो के वीरज। ये चार अनंत चतुष्टय है सब मिल कर ज्ञान से गुण कीर। सिर चुदात्र शाजन मरना दी दोष अठरा बिरहत निर्दोष हुए। चौघात घाती अपनव नव दिपाए सर्वज्ञ प्रभु सुख घोष हुए। द्वादश गण के भी असंख्यात तुम धुन सुन हर्षित होते हैं। सम्यक सलिल को पा करके भव भव के कलिमल धोते। नमो अरिहंतालम अरहंत परमेश्वर जय माला महार्गम निरपामदी शांति शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि छपेत। मोह अरि को हनुए त्रिवन पूजा योग नमो नमो अरहंत को पाओ सौख्य मनो। इत्याशीर्वाद पर पुष्पांजलि छपेत। हाय सोदर मित्र जी पूजो मन से दर्शन बिंद अखिया कर से जी। आओ नी आओ नी भगवान अत्र अवतर अवतर संभोष्ट आवानम। ओम रीम अरहम श्री कुंथुनाद तीर्थंकर। अत्र तिष्ठ ठाठा स्थापनम। ओम रीम अरहम श्री कुंथुनाद तीर्थंकर। अत्र मम सन्निधो भव भव वसत सन्निधि करणम। पर पुष्पांजलि छपेत। घनी प्यारी लागे आए मीठे रस से भरी रे। जिन वाणी लागे गुरु वाणी लागे माने पुलक सागर की वाणी। घनी प्यारी लागे और प्यारी लागे जी घनी प्यारी लागे लागे प्यारी लागे जी घनी प्यारी लागे। ए मीठे रस से भरी रे गुरु वाणी लागे जिन वाणी पुलक सागर की वाणी। घनी प्यारी लागे लड्डू पुआ अनराज भगवान नाना। चुद रोग नाश हितने भज को चढ़ाऊं। श्री कुंथनाथ पद पंकज को जजो में छोटो अनंत भव संकट से सदा जो। ओम रीम अरहम श्री कुंथनाथ तीर्थंकराय छुदा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वामिति। कर्पूर दीप नव ज्योति करे दशो दिश में आरती कर प्रभु निज मोह नाशो। श्री कुंथनाथ पद पंकज को जजो में
छोटो अनंत भव संकट से सदा जो। ओम रीम श्री ओम रीम अरहम श्री कुंतुनाथ तीर्थंकराय मोह अंधकार विनाशनाय दीपम निर्वामिति कृष्ण से सदा जो। ओम रीम अरहम श्री कुंतुनाथ तीर्थंकराय अष्टकम दहनाय धूपम निर्वामिति अंगूर आम फल अमृत सम मंगाके अरबो तुम्हें सफल हेतु अविष्ट पूरो श्री कुंतनाथ पद पंकज को जजो में छोटो अनंत भव संकट से सदा जो। ओम रीम अरहम श्री कुंतुनाथ तीर्थंकराय मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वामिति रे बाबा खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है बाबा खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है अरे सेवक आया है सेवक अर्जी लाया है ओ सेवक आया है सेवक अर्जी लाया है रे बाबा खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है बाबा खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है और सेवक आया है सेवक अर्जी लाया है और सेवक आया है सेवक भेड़िया लाया है बाबा खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है ओ बाबा खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है सुथाल भर के पूजो तुम्हें सकल ज्ञान मतय सदा हो श्री कुंतनाथ पद पंकज को जजो में छोटो अनंत भव संकट से सदा जो। ओम रीम श्री अरहम श्री कुंतनाथ तीर्थंकराय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति जलधारा राम समंतिवाय श्री कुंतनाथ तीर्थंकराय अर्घम निर्पामिति स्वर्ग मोक्ष की सृष्टि करल निष्पिन नाम सुरेंद्र यजंत राम नाम सब सुख के कान पूजत मिलता आदरधान। ओम रीम अरहम स्रष्टा नाम समंतिवाय श्री कुंतु नाति तंकराय अर्घ्यम निर्पामिति नाथ प्रवेश तुम नाम आसन शरण कमल तुम फिर अपना भाग जागा है आज फिर अपना भाग जागा है भक्ति का अनुराग जागा है आज फिर अपना भाग जागा है आज फिर अपना भाग जागा है तुम पद में से आप विख्यात लक्ष्मी के स्वामी होना सब बोलिए जोरों से बोलिए जैसी आवाज भोजनशाला में आती यहाँ भी आना चाहिए बहुत तेजी से जोर से। ओम रीम अरहम पद्मेश नाम समंतिवाय श्री कुंतुनाथ तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्पामिति आप पद्म संभूत जिने जलवा गुरवर का जलवा एक बारी तो कर ले जो मन से जय जयकार करेगा जलवा है जलेवा गुरवर का जलेवा जलवा है जलेवा जल जलेवा गुरवर का जलवा एक बारी तो मन से जय जयकार करेगा जलवा है जल में हो गणजे आप नाम सब दुख के कान पूजत मिलता हाथ निधान जलवा है अरे जलवा भी श्री कुंतुनाथ तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामिति गणना योग आप ही की खान पूजत मिलता आप निधान। ओम रीम अरहम पुण्य नाम समंतिवाय श्री कुंतुनाथ तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामिति जादू है सर कण कर बोलेगा ज्ञानाधरत गुण के खान नाथ गुणा कर आप महान आप नाम सब सुख के खान पूजत मिलता आत्मनिधान। ओम रीम अरहम गुणाकर नाम समंतिवाय श्री कुंतुनाथ तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामिति देखिए गुणा बोध हर भेदव व्याधि नाम सब सुख के खान पूजत मिलता आत्मनिधान। ओम रीम अरहम गुणाम्बोधिना समन्तवाय श्री कुंतुनाथ तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्पामिति नाथ गुण हनुमान सातु राम मेरा है दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है तू नाथ राम मेरा है सबसे आदि गुण आदरा गुणादरी तुम नाम
क्रोध मोह सब नाशिए जुग जुग करो प्रणाम नाम व्याधि समर भेद विज्ञान दीजे अंत समाधि। ओम रीम अरहम गुणादार नाम समन्तिवाय श्री कुंतुनाति तंकराय अर्घ्यम निर्वामिति। पुण्य में पावन वाणी आप मुझ वाणी पावन करो हरो सकल भवताप नाम मंत्र में नित जपो हरो सकल भव्याधि सबर भेद विज्ञान दीजे अंत समाधि। ओम रीम अरहम पुण्यगी नाम समन्तिवाय श्री कुंतुनाति तंकराय अर्घ्यम निर्वामिति। हरो सकल भव व्याधि समर भेद विज्ञान तीजे अंत समाधि। ओम रीम अरहम गुण नाम समन्तिवाय श्री कुंतुनाति तंकराय अर्घ्यम निर्वामिति। दूलीले गुरु का नाम तेरा जीवन कर जाएगा प्यारा जिर शरणम धाम ले ले गुरु भर का नाम आप पावन परम भगतन करो पवित्र अंतर आत पाए से लहु परम पद शीघ्र नाम मंत्र में नित्य जपो हरो सकल भव व्याधि समर भेद विज्ञान युति दीजे अंत समाधि। ओम रीम अहम पूत नाम समन्तिवाय श्री कुंतुनाति तंकराय अर्घ्यम निर्पामिति। नाम मंत्र में नित्य जपो हरो सकल भव व्याधि समर भेद विज्ञान युति दीजे अंत समाधि। ओम रीम अरहम धर्मराम नाम समन्तिवाय श्री कुंतुनाति तंकराय अर्घ्यम। साथ रहो मैं तेरे साथ रहो मैं हे ओ गुरु साथ रो चे दो मनु में करो चे दो मनु में हर पल तेरे साथ रहो मैं जय हो। सावन का महीना होगा जिसमें होगी राखी सावन का महीना होगा जिसमें होगी राखी तू राखी तेरी डोर बनू में तेरी डोर बनू में हर पल तेरे साथ रहूं मैं हे ओ गुरु साथा रोजे दो बनू में तारो चे दो बनू में हर पल गुरवर थारे नाम की लागी रे लगन मोहे गुरु नाम की लागी लागी रे लगन मोहे गुरु नाम की आई शुभ घड़ी देखो मारे आगन आज जी आई शुभ घड़ी देखो मारे आगन आज जी जय हो। और जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार चांदी चांदी हो गई हो मेरी चांदी चांदी हो गई चांदी चांदी हो गई हो मेरी चांदी चांदी हो गई जब से मिला है मुझे गुरु दरबार जब से मिला है गुरु का दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार जब घूमर 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 घूमे रे घूमर 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 घूमे रे अत घूमर 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 घूमे रे हे घूमर 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 गुरवर घूमर घूमे रे निर्मोह प्रभु सब मोह अर अज्ञान से भी दूर तुम भक्त का चारित्र दर्शन मोह करते दूर तुम नाम मन में नित्य जपो करो अंग्रह
अर्घ्यम निर्वामिति धिया तार निर्हो गिर्मिकार ब्रह्मा बस मेरी आप ही भवसे तू। ओम रीम अरहम निर्निमेश नाम समन्तिवाय श्री कुंतुनाति तंकराय अर्घ्यम निर्वामिति। सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं, जय हो। तुम मंत्र सदा जपो में साधना पीयूष रस कंद सदा जजू में। ओम अरहम वितांत का नाम समृता श्री कुंतनाथ नंगराय अरहंदर भावेति। करना है त्याग, करना है संयमी जीवन जीना है। किसी की उम्र 50 साल हो गई, किसी की 60 हो गई, किसी की 70 हो गई, किसी की 30 साल है। पूरा जीवन हमारा इंद्रिय विषयों में व्यतीत हो गया और हम कुछ नहीं कर पाए। क्या किया हमने जीवन भर? रातों बातों में गई और प्रात खातों में गया, रातों बातों में गई और प्रात खातों में गया, फिर हमारी जिंदगी से एक दिन निकल गया, फिर हमारी जिंदगी से एक दिन निकल गया। हाथ थे मिले कि जुल्फ चांद की सवार दूं, पैर थे मिले कि स्वर्ग धरती पे उतार दूं, जब तलक कदम उठे जिंदगी फिसल गई, फिर हमारी जिंदगी से एक दिन निकल गया, फिर हमारी जिंदगी से आए कुछ न कर सके, न पीर पर की हर सके। रात बात में गई और प्रात खात में गया, क्या हो रहा है? फिर हमारी जिंदगी से एक दिन निकल गया। ऐसा ही जीवन बीत रहा है ना। आंख खुली तब देखा हमने रेत, खेत पे रेत ही रेत, कि चिड़िया चुग गई सारा खेत, कुछ भी नहीं मिला। 10 दिन साधना करो। मुनियों पे बोलना बहुत आसान है, मुनियों पे व्यंग करना बहुत आसान है, मुनियों के बारे में बड़ी बड़ी बातें बोलना बहुत आसान है। जरा 10 दिन मुनियों जैसा जीवन जी के देखो। कहा कि 10 दिन साधना करो, तपस्या करो। हमारे मुनि महाराज कैसे रहते हैं, कैसे तपस्या करते हैं, और एक बात याद रखना, किताबों में मुनि महाराज मत तलाशो, जिंदगी में मुनि महाराज को तलाशने का प्रयास करो। कि मुनि किताबों में नहीं होते महाराज, ध्यान, किताबों में तो लिखा होता है, करके देखो। देखो जरा कैसे मुनि महाराज चटाई पे शयन करते हैं, 10 दिन चटाई पे सो। पीछे कहा कि शिविर में बैठ जाओ, हम चटाई पे नहीं सो पाएंगे। अरे डनलप के गद्दे लाएंगे तुम्हारे लिए,
दस दिन तपस्या के दिन है, साधना के दिन है। दस लक्षण में कोई लक्षण तो स्वीकारो कि बस वही जय जय नाथ परम गुरु होए, लड़का मांगे लड़की होए, यही चल रहा हो, कुछ नहीं चल रहा। दस दिन साधना करो, साधो अपने मन को, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो इस जन्म में, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो किसी भी जन्म में। जब भी मोक्ष जाओगे इस भेष में नहीं जाओगे, मोक्ष पाने की मुद्रा तो एक ही दिगंबर मुद्रा हुआ कर, उसके बिना मोक्ष नहीं। चढ़ाते रहो नारियल, कुछ नहीं होने वाला, चढ़ाते रहो भगवान को लड्डू, लड्डू खा खा के मोक्ष होगा तुमको? बोलिए, कल्याण करना है, उद्धार करना है तो तपस्या का मार्ग तो स्वीकार करना पड़ेगा। और एक बात ध्यान रखना, असंयमी लोग, कामी भोगी लोग कितना भी काम भोग की बात करें, पूजा तो तपस्या को ही जाएगा, सम्मान तपस्या का ही होता है, त्याग का ही होता है। दस दिन तपस्या नहीं कर सकते, घर छुड़वा रहे क्या तुम्हारा? एक बात बताओ, खानदान में शादी आ जाए फिर दस दिन जाते हो कि नहीं? बोलो, अभी बच्ची को बच्चा होना हो, डिलीवरी है, विदेश है, महीना भर वहां जाके रहोगे? नहीं रहोगे। सब कामों के लिए समय है, किसके लिए समय नहीं है? त्याग तपस्या साधना के लिए समय, और यही काम आएगा, यही साथ जाएगा, बाकी इस धरा का, इस धरा पे सब धरा रह जाएगा। साथ में लाया था क्या जो साथ में, सब सब धरा रह जाए। ऐसे सिर हिला रहे हो कि जैसे सब तैयार हो गए कि हाँ हम शिविर में बैठ ही रहे हैं। दस दिन का टाइम वाला है, ये साधना ही हमारे साथ जाए। एक टाइम भोजन करें, एक आसन करें, अवक्ष का त्याग करें, दस दिन शुद्ध भोजन बनेगा। जैन हलवाई आ रहे हैं, मर्यादित बनेगा, दो दिन तीन दिन की जो मर्यादा है, वैसे ही आटा, वैसे ही मसाला, वैसे ही सब कुछ, दस दिन की साधना। समझ में आ रहा? दस दिन तपश्चर्या होगी। यहां पर आ रहे हैं बाहर से बहुत लोग, मोबाइल पे फॉर्म भर रहे हैं लोग कि हमको भी बैठना, हमको भी बैठना है। ध्यान रखना ऐसा ना हो कि बाहर वाले आके बैठ जाए और दिया तले अंधेरा, ये तुम लोग किनारे वाले उनके लिए ताली बजाते रहो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तुम्हारा कब नंबर आएगा? ये चौमासे बार बार नहीं होंगे, यहां ध्यान रखना, घर गृहस्थी तो जिंदगी भर लगी रहेगी। दस दिन बाद क्या तुम्हारा घर गृहस्थी छूट जाएगी क्या? जिंदगी नहीं छूटना है, ध्यान रखना। ये फुर्सत तुम्हें जिससे पूछो, फुर्सत नहीं है। अरे कब मिलेगी फुर्सत? जब अर्थी चली जाएगी शमशान में, तभी फुर्सत में रहता है आदमी, बाकी तो फुर्सत है नहीं। जब तलक है जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, ध्यान निकालो समय। सब निकलता है, ये मत सोचिए कि नहीं निकलता है। सब अपने दुनिया भर के काम करने के लिए सब एडजस्टमेंट हो जाता है, पति देव है, पत्नी है। जब तुमको यहाँ शुद्ध भोजन मिल रहा है, शुद्ध तुमको शयन करने को स्थान मिल रहा है, यहीं खाना, यहीं रहना और यही साधना करना, सामायिक सीखो, प्रतिक्रमण सीखो। जैन कुल में पैदा हुए, 60-60 साल, 50 साल उम्र हो रही है, धत तेरे की न सामायिक आता न प्रतिक्रमण आता। आता क्या है वो? स्वाहा 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 है? स्वाध्याय ये कौन कब करोगे तुम लोग? बोलो, सदगुरु दे जगाए मोह नींद जब उपशमे है, मोह की नींद से बाहर उठो, दस दिन यहां तपश्चर्या करो, फार्म भर दीजिए। दस दिन भोजन भी यही है, रहना भी यही है, खाना भी यही है, लेकिन दिन भर नहीं खाना। कब खाना? एक आसन, उपास की साधना करो, उपास करो, देखो कैसा आनंद आएगा। ऐसा लगेगा किसी तपोवन में चले गए, किसी आश्रम में चले गए हैं। जरा देखो तो कि महाराज लोग कैसे खाते हैं, घी मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, नमक मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, जो है खाइए, तपश्चर्या करिए। इस शरीर को खिला पिला के क्या करोगे? शरीर का मिट्टी होगा लास्ट में,
संयम धारण करो, व्रत धारण करो। यहाँ प्रशिक्षण होगा, क्लासें पढ़ाई जाएंगी, बाहर से भी प्रशिक्षक आ रहे हैं, सारे लोग आपको पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, साधना कराने के लिए आ रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम यहीं होंगे। अपने बच्चों को तैयार करो, आप करो, कुछ नहीं करना, बच्चे दे दो, प्रोग्राम अपने आप हो जाएगा। यहाँ समझ में आ रहा, बाहर से आ रहे हैं सभी लोग करने के लिए, पर्यावरण पर मनाने के लिए। ऐसा ना हो कि तुम लोग टीवी पे देखते रहो बैठे बैठे और कुछ नहीं कर पाओ। बोले क्या हुआ, जिंदगी उसी लौकी में कद्दू में चली गई, मतलब क्या, सब्जी बनाने में चली गई, रोटी बनाने में चली गई, रात में खाने में चली गई, हाथ में कुछ भी आया नहीं। अरे 10 दिन की बात है तपस्या, जिसको भी बैठना हो वह अपने फार्म भर सकता है, अपने नाम लिखा सकता है कि भाई हमको शिविर में बैठना है, ग्रुप बना के बैठो, अपनी कंपनी में बैठो, आनंद आएगा, साधना करेंगे। बहुत लोगों के नाम आ चुके हैं, हम ज़्यादा लोग को बुला नहीं रहे, बाहर से तो बहुत आ रहे हैं लेकिन थोड़ा वो डर भी लगता है, तो ज़्यादा लोगों को हम एंट्री दे नहीं रहे हैं, उनको फ़ोन पे भी मना कर रहे हैं। और थोड़ा बहुत तुम लोग के लिए आरक्षण कोटा है, आना है तो आ जाओ, नहीं आना तो तुम जाना और तुम्हारा काम जाने, ध्यान रखना। तो फिर और यहाँ पर वही होंगे, शिवरार्थी ही अभिषेक करेगा, शिवरार्थी को ही पूजा करने मिलेगा, जो शिविर में बैठेगा उसे ही भोजन मिलेगा, फोकट वाला मामला सब बंद हो जाएगा, 10 दिन कुछ नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान रखना, जो साधना करेंगे उनको ही सुविधा मिलेगी, जो साधना नहीं करेंगे तमाशा देखने आएंगे कि बंदर नाच रहा है चलो देख आते हैं, उनके लिए कोई भी जगह यहाँ पर नहीं है, साधक लोगों के लिए यहाँ पर स्थान है। आप यहाँ आकर साधना करें, तपस्या करें। हाँ, बापी के, सिलवासा के आसपास के लोग ये चाहें कि हम रात्रि विश्राम घर में करेंगे, रात में करके सुबह 5 बजे से शिविर शुरू हो जाएगा, 5:30 बजे से, समझ में आया, और शाम को 8 बजे तक चलेगा, समझ में आ रहा। तो आप एडजस्ट करो, अपनी बात मनवाने के लिए पति से कैसी झगड़ लेती हो, पियर जाना है, नई साड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मुंह फुला के बैठ गई, मना रहा है, नहीं मान रही, 2 दिन नहीं बोली, 30 दिन बेचारा ला रहा है साड़ी, ले खुश हो जा है? तो थोड़े संसार के लिए गुस्सा हुए हो, इस बार थोड़ा उनको धर्म के लिए गुस्सा कर दो कि हम तो जाएंगे और शिविर में बैठेंगे और साधना करेंगे, हमें नहीं मानना तुम्हारी बात, और ज्यादा किया तुमने तो ध्यान रखना 10वें दिन दीक्षा ले लूंगे, ध्यान रखना, ज्यादा गड़बड़ की तो बस दीक्षा ले लूंगी, फिर नहीं आऊंगी लौट के, बेचारा तुम्हें गाड़ी से छोड़ने आएगा। ये कहना आसान है कि जा रही है तो जा, 10 दिन में पता पड़ जाएगा बच्चे को कि क्या होती है बीबी, अपनी कीमत तो दिखाओ इनको कि हमारी कीमत क्या है, समझ में आ रहा। तो पता भी तो चले कितना प्रेम है, सही में है कि दिखावा है कि सब है, फालतू के मोह जाल में भटक रहे हो तुम लोग, विचार करिए। तो 10 दिन जिसका भी मन लगे, 10 साल के बच्चे से लेकर 100 साल तक के बच्चे बैठ सकते हैं, 100 साल का भी बच्चा ही है अभी जिसने धर्म वर्म नहीं किया है, समझ में आ रहा। तन बूढ़ा हो गया, मन तो जवान ही है, अभी तो मैं, कौन बोला जवान हूं, बूढ़े ही लोग बोले होंगे, ध्यान हो, नहीं जवान को बोलने की जरूरत ही नहीं, समझ में आ रहा। तो जहां जहां से लोग हों उस शिविर में अपना नाम जल्दी लिखाएं, एक टाइम लिमिट है, उसके बाद फार्म नहीं भरे जाएंगे, 1100 रुपये उसका प्रवेश शुल्क है, उसमें आपको वस्त्र मिलेंगे 2 जोड़ी, समझ में आया, एक जोड़ी नहीं, एक धोना और एक, और 10 दिन तुम्हारा नियम रहेगा कि तीसरा वस्त्र नहीं पहनेंगे, समझ में आ रहा, 2 वस्त्रों का नियम, जिंदगी देखो सादगी की क्या होती है, हैं? 2 वस्त्रों का नियम, 1 टाइम का भोजन, शाम को जल की आवश्यकता हो तो जल ले लीजिए, समझ में आ रहा, क्योंकि अपन अन्न के कीड़ा है, नहीं जी पाएंगे, तो जो कर सकते साधना वो करेंगे। और यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं, शोध का भोजन, शुद्ध भोजन ऊपर की भोजनालय में बनेगा, और बाकी पब्लिक का वहाँ अलग है, उसमें नहीं खाने मिलेगा, शोध का भोजन ऊपर की तैयार हो रही है भोजनालय, इस चतुर्मास में पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, ऊपर के 10 रूम तैयार हो रहे हैं VIP, उसके बाद पर्यूषण के बाद 10 और तैयार हो जाएंगे, ऐसी है पूरी इस
चातुर्मास काल में बहुत सा निर्माण कार्य संपन्न हो जाएगा, फिर बचेगा अकेला मंदिर। मंदिर जिस दिन पूरा हो गया उस दिन भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। बस मंदिर की देर है, बिल्डिंगें तो सब बन गई हैं, फिनिशिंग होती रहेगी। ध्यान मंदिर तैयार है, नवग्रह मंदिर की पूरी बस थोड़ा सा वर्क रह गया है, मंदिर सामने खड़े हुए हैं और बड़ा मंदिर का शिखर रह गया है, बस बाकी सारी चीज़ें बनकर तैयार हैं। गेट आप देख ही रहे हैं, पत्थर का बन रहा है, अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए आप लोग पूरी यहाँ साधना के लिए दस आत्मा प्रभु महाशोक तज आदि नाम एक सदा के आठ कुंतना जनेंद्राय नमः। ओम ह्रीं परम श्री कुंतना जनेंद्राय नमः। ओम ह्रीं परम श्री कुंतना जनेंद्राय नमः। ओम श्री कुंतना जनेंद्राय नमः। ओम ह्रीं परम श्री कुंतना जनेंद्राय नमः। ओम ह्रीं परम श्री कुंतना जनेंद्राय नमः। जनेंद्राय नमः। ओम ह्रीं परम श्री कुंतना 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 जनेंद्राय नमः। कुंतना जनेंद्राय नमः। ओम ह्रीं परम श्री 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 कुंतना जनेंद्राय नमः। ओम परम श्री कुंतना जनेंद्राय नमः। ओम ह्रीं 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 परम श्री कुंतना जनेंद्राय नमः। जनेंद्राय नमः। ओम ह्रीं परम श्री कुंतना 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 जनेंद्राय नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम ह्रीं सम्यक् ज्ञानाय नमः। राय श्री जिनिश्रणम् आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं महावीर जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं वृषभादि वीरांत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वृषभसेना नो करोड़ महामुनिराजेभ्यो नमः। आज गुरु मर से अपनी बात होके रहेगी, शुद्ध आत्म से मुलाकात होके रहेगी, शुद्ध आत्म से मुलाकात होके रहेगी। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, हो पुलक सागर मेरे पुलक सागर, बिगड़े बना दे मेरे काम आज रे। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ पुलक सागर मेरे पुलक सागर, बिगड़े बना दे मेरे काम आज। आस लगी थी मैं दौड़ा दौड़ा आया तुम दर्शन की, आस लगी थी मैं दौड़ा दौड़ा मेरे जीवन किया तेरे नाम, ओ पुलक सागर मेरे पुलक सागर, बिगड़े बना दे तेरे नाम आ।
नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ पुलक सागर मेरे पुलक सागर, बिगड़े बना दे मेरे काम आज रे हो जय हो। रुतबा बड़ा इनकी बड़ी शान है, जैनों का रुतबा बड़ा इनकी बड़ी शान है, पूरब से पश्चिम तक इनका ही तो नाम है, पूरब से पश्चिम तक उत्तर से दक्षिण तक इनका ही तो नाम है। ढोलीड़ा ढोलीड़ा ढोलीरा ढोल धीमो धीमो बगार माँ, ढोलीरा ढोल धीमो धीमो बाजे छे बाजे छे, ढोल बाजे छे मारा चिनवर रा दरबार, ढोल बाजे छे। रंग मारे प्रभु थारा ही रंग में रंग गयो रे, रंग मारे गुरु थारा ही रंग में रंग गयो रे, आया मंगल दिन मंगल अवसर, आया मंगल दिन मंगल अवसर, भक्ति में थारे में नाच रहो रे, भक्ति में थारे में नाच रहो रे, प्रभु थारा ही रंग में रंग गयो। केसरिया आज हमारो रंग केसरिया, आज हमारो रंग केसरी, उड़ी जाए मन की पतंग भरी उड़ी जाए। बागों में कलियां खिल गई और जब से आए गुरु जी मारा गाँव माँ, टुकुर टुकुर तेरे होंगे हजार मगर हम सना होगा कोई भक्त तेरा गुरुवरा, बागों में कलियां खिल गई और जब से आए गुरु जी मारा गाँव माँ, टुकुर 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 देख टकट, टुकुर 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 देख टकट। सम्मान करो रे आए सम्मान करो रे हम तो जैन कुल में जन्मे, सम्मान करो रे हम तो जैन कुल में जन्मे, सम्मान करो रे हो गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे गुरुवर तेरी जिंदगानी रहे देवा हो गुरु देवा हो गुरु देवा हो गंगा मैया में जब तक। पूर्णर्घम महायर्घम निर्वामिति शांते शांतिधारा दिव्य पुष्पांजलि छिपे। श्री कुंतनाथ जनवर विधान जो भक्ति भाव से करते हैं, संपूर्ण रोग दुख संकट
कटे हर नर सुर के सुख को लबते रत्नात्रे निधि को पा करके मन पंकज विकसित करते हैं केवल ज्ञान मत किरणों से त्रिलोक प्रकाशित करते हैं। इत्यादि आशीर्वाद परिपुष्पांजलि छिपे मैं देव श्री अरहंत पूजो जिन क्षेत्रालेभ्यो नमः श्री शम्मीर शिखर ऊर्जियंदगिरी चंपावर बाबा पुरादि सिद्ध क्षेत्रेभ्यो नमः शाति से क्षेत्रेभ्यो नमः विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः अष्टाधिक सहस्रनामेभ्यो नमः श्री वृषवादि वीरान चतुर्विंशत तीर्थंकर जलादि पूजे दिनम कुठार क्रीटिला के इंद्रादि देव अरु पूज्य पदार्थ जाके सो शांतिनाथ वर वंश जगत प्रदीप मेरे लिए करे शांति सदा अनूप संपूजकों को प्रतिपालकों को यतीनकों को यतीनायकों को राजा प्रजा राशु देश को ले कीजिए सुखी है जिन शांति को दे हो वे सारे प्रजा को सुख बलिप्त हो धर्मधारी नरेशा हो वे वर्षा समय पर तिल भर रहे ना व्याधियों का अंदेशा हो वे चोरी न जारी सुसम वर्ते हो ना दुष्काल मारे सारे ही देश धारे जिन वृक्ष को जो सदा सौख्यकारी घात कर नाश जिन राज शास्त्र कहो पढ़न सुख दलाव सत्संगति का सदव्रतों का सृजन के दोष धाको सभी का बोलो प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्याऊं दोनों से उच्चरण दिन के मोक्ष जोलो न पाऊं तब पद मेरे हिये में मम हिये तेरे पुनीत चरणों में तब लो लीन रहो प्रभु जो लो पाया नमक पद मैंने अक्षर पद मात्रा से दूसरी जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो प्रभु सो सब करुणा करी गुरु छुड़ाऊं भव दुख से हे जगबंधु जिनेश्वर पाऊं तब चरण शरण बलिहारी मरण समाधि से दुर्लभ कर्मों का छे सुबोध सुपकारी बिन जाने वाजान के रही टूट जो कोय तुम प्रसाद ते परम गुरु शोषव पूर्ण होय पूजन विधि जानो नहीं नहीं जानो आह्वान और विसर्जन भी नहीं क्षमा करो भगवान मंत्रहीन धनहीन हो क्रियाहीन जिन देव क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की आए जो जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण ते सब जावहूं कृपा कर अपने अपने स्थान श्री जिनवर की आशिका लीजे शीश चढ़ाए भव भव के पातक कटे दुख दूर हो जाए नौ बार नमो का पूरा धर्म ध्यान में लगा हुआ है। सुबह अभिषेक शांति धारा पूजन किया भगवान का गुरु पूजन किया और अब दोपहर की मध्यान्हिक पूजा चल रही है। भगवान का ये शांतिनाद ये कुंथुनाद भगवान का गुणानुवाद और शाम को फिर अप्राणिक पूजा होगी। वह अप्राणिक पूजा होती है दीप से भगवान की आरती करके। दोपहर को धूप से ये धूप घट जल रहा है इसमें धूम रुटते जाता है ये धूप पूजन है। फिर दीप अर्चन है शाम को जिसे अपन आरती बोलते हैं। तो त्रिकाल पूजा का सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है और इस त्रिकाल पूजा में यदि आपके आयु कर्म का बंद हो जाए तो भगवान कहते हैं कि वह जीव पूजन भक्ति करते हुए अगली आयु मानता है तो देवगति का पात्र हुआ करता है स्वर्ग जाया करता है। उसे त्रियंच नारक भव कभी जिन भक्त को मिलता नहीं। तो पूरा दिन आप कर रहे हैं आपको तो एक ही बार अवसर प्राप्त हो रहा है। चौमासे में एक एक दिन का हमको डेली अवसर प्राप्त हो रहा है। हमारी डेली त्रिकाल पूजा चल रही है जिनेंद्र भगवान की उसका माध्यम आप लोग बने हैं। आप लोग विधान नहीं कराते तो हम भी यहाँ पूजा नहीं कर रहे होते। तो हमारी पूजा अलग तरह की है तुम्हारी पूजा अलग तरह की है। तुम्हारी पूजा में नृत्य गान उत्साह की जरूरत है हमारी पूजन में वह वर्जित है। तुम्हारी पूजन में अष्टक चढ़ते हैं हमारी पूजा में अष्ट द्रव्य नहीं चढ़ते हैं। हम भी द्रव्य पूजा करते हैं और भाव पूजा करते हैं आप भी द्रव्य पूजा करते हैं और भाव पूजा करते हैं। आपकी द्रव्य पूजाएँ अष्टक हैं और इनमें जो नृत्य गान जब आप करते हो ना वह आपकी भाव पूजा है। समझ में आ रहा उत्साह से करताल बजाकर नृत्य करके भक्ति करते हैं उस समय भाव पूजा में डूबे हुए हैं आप। वो जब स्वाहा करके चढ़ा रहे हैं वह क्या है द्रव्य पूजन है।
समझ में आया? तो भाव पूजन के लिए सब लिखा हुआ है, और मुनियों का जब वह मंत्र उच्चार करते हैं वह उनकी द्रव्य पूजा है, जब वह हाथ जोड़ते हैं, जब वह पिच्छी का उठाकर भगवान को नमस्कार करते हैं वह उनकी द्रव्य पूजा है, और उसमें जो अपने परिणामों को लगाते हैं वह उनकी भाव पूजा है। तो आपको परिणाम लगाने का साधन क्या है? भक्ति। आपकी भाव पूजा क्या है? नृत्य गान। ये आपकी भाव पूजा है, और समर्पित किया हुआ द्रव्य आपकी द्रव्य पूजन है। ऐसा नहीं कि मन लगा रहे, ऐसा नहीं लगता मन। मन कब लगता है? श्रावक का राग रंग में मन लगता है, है ना? वैराग्य में तो लगता नहीं। लग रहा है तो फिर आ जाओ, महीने में 5 दिन छूट, 15 दिन छूट, ये वैराग्य में मन नहीं लगता। श्रावक का मन काय में लगता है? वो फिर इतना मीठा बोलता है श्रावक, अरे बच्चों पे तुम नहीं करोगे कृपा तो कौन करेगा, हे गुरुदेव आप तो हमारा कहना मानेंगे ही मानेंगे। अरे मेरे भगवान एक आध बार तुम भी तो हमारा कहना मान लो, हम ही तुम्हारा मानते रहे, तुम हमारा कब मानोगे? तो ऐसा तो हमने नहीं देखा है कि शास्त्रों में कि गुरु शिष्य का कहना माने, हमने तो ये सुना है कि शिष्य गुरु का कहना। लेकिन आजकल के शिष्य बड़े होशियार हो गए, वो गुरु को ही मना मनु के चले जाते हैं, और जैसे ही अपन ने छूट दे दी, जय गुरुदेव धन्य हो गए। अब हमको ये लगा आहार में कि ये जयकार छूट की कर रहे हैं या त्याग की कर रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। 15 दिन की छूट दे दो, अपन ने ले लिया आहार, इतने खुश हो गए जैसे स्वर्ग मिल गया हो। अब समझ तो यही नहीं आया कि 15 दिन की छोड़ने की खुशी है या जो छूट मिली है उसकी खुशी। तो हमने नियम हम ऐसे नहीं देते, हम छूट का नियम क्यों देंगे? हमने तो 15 दिन नहीं खाने का नियम दिया है, खाने का तो तुमने अपने मन से लिया है, समझ में आ रहा है? तो आनंद के साथ भक्ति, द्रव्य पूजा, भाव पूजा श्रावक के लिए यही लिखी है। दानम पूया मुखम सावय धम्मो, श्रावक का मुख्य धर्म क्या? मुख्य शब्द लिखा है, बाकी धर्म अलग चीज है, स्वाध्याय माला जाप वो अलग चीजें हैं, लेकिन मुख्य धर्म क्या है? दान करना और पूजा करना। ध्यान रखना, ये लाखों रुपए दान हमारे अनिल कुमार जी कहीं भी दे देते, शादियों में खर्च कर देते, पार्टियों में खर्च कर देते, मकान बनाने में खर्च कर देते, लेकिन आज उनसे पूछना कि जो चातुर्मास में दिया है और आज जो नजारा है, ये आनंद करोड़ों रुपए खर्च करके भी प्राप्त नहीं हो। भगवान की भक्ति है, जिनराज की भक्ति है, देव सा, ये आनंद मिलता क्या? शादी विवाह का आनंद अलग है, कितना भी खिला दो बुराई करके जाएंगे। नहीं, बाकी तो सब अच्छा था, थोड़ा खाना गड़बड़ था, है ना? शादी विवाह में यही तो होता है, हमें पूछा नहीं, हमारी कोई इज्जत नहीं हुई, हमारा कोई मनुहार नहीं हुआ, अब गए तो गए, अब शादी में हम जाने वाले, ऐसे मुंह फुला के बैठ जाते हैं लोग। लेकिन भगवान की भक्ति में कोई शिकायत नहीं करता, वो कहता है भगवान ऐसा सामर्थ्य दो, हम कल भी विधान में आएंगे, रोज पूजन करेंगे, रोज भक्ति करेंगे, आनंद ही। सबके चेहरे पर मैं सुबह से आनंद ही आनंद देख रहा हूं, कोई शिकायतें हैं क्या किसी को? थोड़ी बहुत थी कि महाराज नियम देंगे तो उसमें अभी निपट गई फाइल, समझ में आया? कई लोग तो हमारे ये ऋषि मुनि जैसे बोले अपन गायब हो जाओ, बोले ये पीरियड अटेंड नहीं करना, बोले क्यों? बोले यहाँ त्याग करना पड़ेगा। तो बोले क्या कर रहे हैं? बोले बच्चे को संभाल रहे हैं। अब बताओ, तुम अपना बच्चा संभाल रहे हो और हम अपने बच्चे संभाल रहे हैं, करें क्या? संभालना तो पड़ता ही है। तो आनंद के साथ देखो, आप धर्म भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, और इसके साथ यथाशक्ति त्याग भी कर रहे हैं। ये नई नई बहुएं जो बैठी है ना, सबने आज एक एक साल को रात्रि भोजन का त्याग किया है आहार में, पता दादाजी नहीं कर पाए, बहुएं कर गई सब, समझ में आ रहा? ये छोटी छोटी बोले बच्चे हैं उनके, तो उनका छोटा बच्चा थोड़ी कहता है मम्मी रात में खा ले,
बच्चा क्या करेगा इसमें? बोले छोटे हैं, अब छोटे हैं तो क्या हुआ, छोटे हैं तब तक त्याग कर लो, बड़े होके तो नाटक करेंगे। समझ में आ रहा? तो बड़े आनंद के साथ यहाँ पूजन भक्ति आराधना चल रही है। और पूजन का ध्यान रखना, कब समझोगे कि हमने पूजा करके पुण्य कमाया? आपने पूजा करी, दान दिया, आहार दान दिया, द्रव्य दान दिया, सब कुछ की, कैसे पता चलेगा कि मुझे पुण्य लगा है? बताइए, आप जो सब कर रहे हैं, पता कैसे चलेगा कि हमको पुण्य लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कैसे पता चलेगा? और पता तो करना जरूरी है, और पता नहीं लगा तो घाटे का सौदा हो गया। नहीं, वो अंदाज मत मारो, रिजल्ट दो कि हम जैसे करेंगे वैसा लगेगा। वो करेंगे अरेंगे वाला छोड़ो, मुझे तो कन्फर्म बताओ कि तुमको पुण्य लगा। ध्यान रखना, पूजन करने के बाद आपके चेहरे पर जो आनंद है वह बता रहा है कि पुण्य का बंद हो गया। पुण्य का फल क्या होता है? पुण्य का फल तो सुख होता है। क्या होता है? और पूजन करके मुंह लटक गया, थक गए, कितने बज गए, कब पूरी होगी, पाप बंद कर लिया आपने। समझ में आ रहा? और आनंद के साथ ऐसा लगे कि ये 3-4 घंटे पता ही नहीं चले कैसे निकल गए। कहते ना, पुण्य की रात कब निकल जाए पता नहीं चलता, और पाप की घंटा भर भी रात के बराबर हुआ कर। तो आपको जितना आनंद मिल रहा है वही पुण्य का बंद है। ध्यान रखना, पुण्य का उदय होने वाला पुण्यात्मा नहीं है, पुण्य का बंद करने वाला पुण्यात्मा हुआ करता है। तो आप यहाँ पुण्य अर्जित कर रहे हैं, यहाँ से कितना सुंदर ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग से पूरा स्वर्ग उतर के जमीन पर आ गया है। ऐसे ऐसे देवियां, इंद्रदानी, रिटायरमेंट वाले कम है अपने यहाँ, अभी सब जॉब वाले हैं। सब देखो पूजन कर रहे हैं बड़े आनंद से, और पत्नी ने नियम ले लिया, पति बाहर खड़ा देख रहा, वो चिढ़ा रही, ले लेता आ जाता, एक साल में क्या हो जाता, विचार करिए। तो ये आनंद, लेकिन एक बात ध्यान रखो कि तुम्हारे पति मना नहीं कर रहे हैं और तुमको नियम लेने दे रहे हैं, तो 10% बेचारे को दे देना कि भाई चल थोड़ा पुण्य तू भी कमा ले। अनुमोदना तो कर रहे हैं, बोल तो रहे हैं कि करिए, यही धर्म है, यही धर्म का आनंद है। चौधर्म इंद्राणी बड़ी आनंदित है, चेहरे पर खुशी। उनकी बाजू वाली इंद्राणी, वो तो चेहरे ही हंसते हुए है। अब इंद्र का हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इंद्राणी तो बड़ी प्रसन्न है। अब क्या करें, इंद्र महाराज भी कह रहे होंगे, जब जब ये प्रसन्न होती तब तब मैं दुखी होता हूँ, और जब जब मैं प्रसन्न होता हूँ तब तक ये दुखी हो जाती है। तो अच्छा है, एडजस्टमेंट करके जीना चाहिए आनंद के साथ। तो बड़ी भक्ति से आप भक्ति करो, अर्चना करो, पूजा करो। बिल्कुल ध्यान रखना, क्या सोचते हो कि केवल गाने बजाने को कीर्तन नहीं कहते? भगवान की भक्ति में जब आप हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, वो भगवान का कीर्तन हुआ करता है। भगवान की भक्ति में जब आप अर्घ चढ़ाते हैं, वह दान हुआ करता है। भगवान की भक्ति में जब आप थिरकते हैं, वो सम्मेद शिखर की वंदना हो जाया करती है। यहीं बैठकर शिखर जी के नज़ारे आ जाते हैं। ऐसा पुण्य का अवसर है। बोले जब अवसर मिले तो कैसे पुण्य कमाना चाहिए? शास्त्रों में लिखा है, जैसे एक लाल लोहे का गोला आग जिसमें प्रवेश कर गई है, जब लोहे में अग्नि प्रवेश कर जाती है, लोहा अग्निमय हो जाया करता है, लेकिन जब उस गोले को पानी में डाल दिया जाता है, सब तरफ से पानी को सोख लिया करता है, अग्नि को शांत कर देता है। ऐसे ही हमें पुण्य करना चाहिए। आज हम लोग भी कषायों के लाल गोला हैं, है कि नहीं? क्रोध है, माया है, छल है, कपट है, विचार करिए। लाल हो रहे हैं क्रोध में, लेकिन जब भगवान की भक्ति के पानी में डूबते हैं, वह हमारी कषायों की अग्नि शांत हो जाती है और मन हमारा शीतल हो जाया करता है। क्या सोचते हो? ये मत सोचो कि ये पूजा पाठ से क्या होगा। हजार हजार जन्मों के पाप
जिनेंद्र की पूजा से नष्ट हो जाया करते हैं। कहा ना, नेक जन्म कतम पापम दर्शने निमनिष्यति। हे जिनेंद्र भगवान, तुम्हारा दर्शन करने से अनंत अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाया करते हैं। कैसे हो जाते हैं? किसी ने पूछा, इतने जन्मों के पाप एक दिन के विधान से कैसे नष्ट होंगे? कई विधान करना पड़ेंगे, कई पूजा करना पड़ेगी। बोले ऐसा नहीं है, जैसे किसी कमरे में 1000 वर्ष पुराना अंधकार हो। अंधेरा कितने वर्ष पुराना, तो उस अंधेरे को भगाने के लिए 1000 दीपक नहीं जलाना पड़ते, कितना जलाना पड़ता है? 1 दीपक चलाओ, वो बरसों पुराना अंधकार दूर हो जाए। किसी वृक्ष पर 1000 कौवे बैठे हैं, यदि उनको उड़ाना है तो 1000 कंकर फेंकने की जरूरत नहीं होती। 1 कंकर फेंको, 1000 कौवे उड़ जाया करते हैं। 1 भगवान की भक्ति करो, 1000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाया करते। ये हम पापों का नाश करने के लिए कर रहे हैं, महाराज को खुश करने के लिए नहीं कि चौमासा हो रहा है चलो विधान करो महाराज खुश हो जाएंगे। महाराज खुश हो या ना हो, ध्यान रखना, हमारे कर्मों का क्षय जरूर होता है। अनेक जन्मों के पाप भगवान की भक्ति से नष्ट हो जाया करते हैं। देखो, हमारा मार्ग तो कठिन है, हमें कर्म नाश करने के लिए तपस्या करना पड़ेगी। तुम्हारा मार्ग सरल है, तुम्हें कर्म नाश करने के लिए भगवान की भक्ति करना पड़ेगी। तुम्हारा भक्ति का मार्ग है, हमारा त्याग का मार्ग है। त्याग का मार्ग तो बड़ा कठिन होता है। सुबह दादाजी पता चला ना, बहुत ही अच्छा, दादाजी क्यों बोल दिया, सुबह पता चला ना कि त्याग का मार्ग कितना कठिन होता है। ऐसी कंजूसी से निकालते हैं महाराज, 4 महीने, 2 महीने, 1, जैसे कंजूस आदमी पैसा कैसे खर्च करता है, थोड़ा थोड़ा जैसे तैसे बच जाए। अब बाजू में खड़ी है बहू, वो कह रही हमको क्यों छूट नहीं दी, अरे उनको दे दी हमको छूट क्यों नहीं दी। अब कुछ सेटिंग हो सकती है क्या? हमने कहा बिका हुआ माल वापिस नहीं, हम तो बेच चुके, अब वापिस नहीं होगा। यहाँ तो बिक गया तो बिक गया, अब लास्ट माल है, वहां तो छटा छटाया मिलता है। सब्जी की मंडी में जाओ, लास्ट में पहुंचो तो ताजी ताजी मिलती है क्या? वो छटी छटाई जो कोई पसंद नहीं करता वो लास्ट वाले को दे देते हैं। शुरू शुरू में तो ताजे ताजे मिला करते हैं। तो बड़ा आनंद चौके में आया, बड़ा आनंद भगवान की भक्ति में आया, और आज हम यहाँ बैठकर अरहंत भगवान की आराधना करने जा रहे हैं। उसके बाद कुंथुनाथ भगवान का विधान, सोचिए शांतिनाथ विधान बहुत होते, पारसनाथ विधान बहुत होते हैं, कुछ तीर्थंकर ऐसे हैं जिनकी पूजा भक्ति विधान बहुत कम हुआ करती है। तो आज हम कुंथुनाथ भगवान की, क्योंकि बाकी तीर्थंकर तो वो 24 ही श्री जी ने चंद में ही हो जाते हैं सब, है ना, एक बार बोल दिया हो गए 24 के 24। लेकिन अपन यहाँ पर 24 भगवानों के अलग अलग विधान कर रहे हैं, अलग अलग भक्ति कर रहे हैं, अलग अलग श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहे हैं। ऐसे समर्पित करते हुए ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि वक्त भी गया, पैसा भी गया, समय भी गया, पल्ले कुछ नहीं पड़ा। नहीं, पूरे उत्साह आनंद से भक्ति करो। देने वाला इंद्र द्रव्य दान करके पूजन कर रहा है, बाकी जो सहयोगी बैठे हुए हैं, हमें मालूम है ये सब अपने रिलेशन की वजह से आए हैं, व्यवहार की वजह से, देखते कौन कितना बुला रहा, कितने मैसेज आ रहे, कितना फोन आ रहा, और कुछ और कोई लफड़ा नहीं है। और फिर भी एक के निमित्त से सैकड़ों यदि पुण्य कमाते हैं तो ये भी सबका सौभाग्य है, एक का ही नहीं, सबके पुण्य का अर्जन होता है, सबको मिलता है। कभी देखा है अपन भोजन करते हैं, जो निवाला जो भोजन का ग्रास मुख में गया वो अकेला पेट में ही जाता है या कहीं और भी जाता है? वह भोजन ब्लड भी बनता है, वह भोजन मांस भी बनता है, वह भोजन रक्त भी बनता है, वह भोजन सप्त धातुओं में परिवर्तित हो जाया करता है। लेकिन भोजन लिया कहाँ सा? एक मुख से लिया था, पेट में जाके कहाँ बदल गया? वो सप्त धातुओं में परिवर्तित हो गया। वैसे ही सौधर्म इंद्र एक मुख के समान होते हैं, बाकी के लोग सप्त धातुओं में पुण्य वर्जित बढ़ जाया करता है, सबको प्राप्त हुआ करता है।
करता एक है, पाते हजारों लोग हैं, ऐसा ये सौभाग्य अर्जित किया। ध्यान रखना, यही हमारी जिंदगी की असली कमाई है। ध्यान, असली कमाई क्या होती है? कितने लोग पुण्य में हमारे साथ हैं, पाप में तो दुनिया साथ हो जाती है, पुण्य में कितने लोग साथ हैं, हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कितनों का समूह हमारे साथ आया है, ये हमारा व्यवहार, हमारी व्यवहारिकता, ये हमारे मधुर संबंध, ये हमारी आत्मीयताएं, ये हमारा अहंकार का विसर्जन। वरना कौन किसके में आता है, किसी को क्या लेना देना है, तुम अपना करो, हमको क्या मतलब है। तो आज सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, भगवान की पूजन कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि उनके बुलाने से आए, हम ये कह रहे हैं कि हम सबका भी व्यवहार ऐसा ही होना चाहिए, इतना पुण्यमय और मधुर होना चाहिए कि अपन एक आवाज दो। मालूम है, एक ट्रेन की सीटी बजती है वो सारे यात्री बोगी में चढ़ना शुरू हो जाया करते, फटाफट चढ़ते, क्योंकि अब ट्रेन छूटने वाली है। ध्यान रखिए, तो एक आयोजन करें और सैकड़ों आ जाएं, यही हमारे पुण्य का प्रतीक है। तो आप बड़े आनंद से खुश होकर के देखो ना, सीनियर सिटीजन से लेके इतना सा तक है आज पूजा में, है कि नहीं, इतने से इसे लेके उतने तक हैं, और उतने भी हैं जाने वाले जो है, सब आकर के यहाँ पूजन कर रहे हैं। ये सामूहिक पुण्य का उदय है। आप सबका जीवन मंगलमय हो और आए अरहंत भगवान की ये भक्ति, कुंथुनाथ भगवान की ये भक्ति, देव शास्त्र गुरु की ये भक्ति, बड़े उन आनंद के साथ अपन इसको जिए, आनंद के साथ चिरक के झूम के आनंद से यहाँ भगवान की अपन पूजन करेंगे। जिसके भाग्य में जो जो था वह उसने प्राप्त किया, सब कुछ प्रभु के पास है, अपने पाइए अपने भाग, सब कुछ प्रभु के पास है, पाइए अपने भाग, सारी चिंता छोड़कर प्रभु चरणन में लाग। भगवान के पास तो सब कुछ है, लेकिन मिलता तो अपने अपने भाग से है। ध्यान रखना, सबको सब कुछ थोड़ी मिल जाता है, लेकिन देने वाले के पास तो कोई कमी नहीं है, वह तो पुण्य का भंडार लुटा रहे हैं जगह जगत को। पाइए अपने भाग, मिलता किसको है, जिसका जितना भाग। बरसात होती है, कोई कटोरा लेके खड़ा होता है, कोई घड़ा लेके खड़ा होता है, कोई बाल्टी लेकर खड़ा होता है, कोई टंकी लेकर खड़ा होता है। अब बरसात तो कुछ गड़बड़ कर रही है क्या, वो नहीं कर रही, वो तो बरस रही है। पाइए अपने भाग, कटोरा लिए तो कटोरा भर मिलेगा, कटोरी लिए तो कटोरी भर मिलेगा, बाल्टी लिए तो बाल्टी। अब सबको अपने अपने भाग्य से मिला करता है, प्रभु की दुनिया में सब कुछ हुआ करता है, प्रभु तो सब कुछ देने को तैयार हैं, लेकिन हम सब कुछ पा लें इसकी पात्रता हमारे अंदर आए, वो पात्रता को जागृत करें भगवान की भक्ति करके, भगवान की आराध, जो जितने मन से वचन से काया से डूबकर भक्ति करेगा उतनी प्रभु की कृपा उस पर बरसती चली जाएगी। तो समय आपका हो रहा है, आइए सौधर्मिंद्र आ जाइए अपनी इंद्राणी को लेकर के, है ना, अपनी इंद्राणी लाना। तुम्हारी तो 40 नील होती हैं, लेकिन पटरानी को, मुख्य इंद्राणी को लेकर के आइए। 40 नील तो होगी नहीं, लेकिन अनिल जी कह रहे हैं महाराज हमारी ये एक अकेली 40 नील से कम नहीं है। आइए, तो आइए यहाँ पर भगवान की आराधना करें, स्थापना करें। जगबंधु आदि जिनेश्वर ध्यान जिन शरणम भगवान, हे जगबंधु आदि जिनेश्वर जिन शरणम भगवान, जिन शरणम भगवान, दिव्यालौकिक छटा तुम्हारी, दिव्यालौकिक छटा तुम्हारी, अद्भुत अतिशयवान ओ बाबा, जो भी सी पर करवाले, देवों में देव निराले, हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा, हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा, जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी, नाभिराय सुत मां मरु देवी के तुम राजकुमार,
जिन शासन के प्रथम तीर्थंकर जग के तारण हार ओ बाबा राजा अयोध्या वाले सुख वैभव देने वाले हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा जिन शरणम तेरा आरती पर भक्त जनों की लागी भीड़ अपार लागी भीड़ अपार तेरे दर पर भक्त जनों की लागी भीड़ अपार लागी भीड़ अपार निर्बल को बल देते बाबा निर्बल को बल देते बाबा रोगी को उपचार ओ बाबा चिंतित फल देने वाले चिंता को हरने वाले हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा हम कंचन जैसी काया से प्रभु कंचन जैसी काया से प्रभु शिव सुख बाट रहे ओ बाबा संकट हर लेने वाले झोली भर देने वाले हम सब उतारे तेरी आरती ओ मूरत वाले हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती मणिमय दीप रतनमय थाली जगमग ज्योत जलाए जगमग ज्योत जलाए मणिमय दीप रतनमय थाली जगमग ज्योत जलाए जगमग ज्योत वाले हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा जिन शरणम सीरत वाले मोहनी मूरत वाले हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती उतारू